अपना टहलते रहो स्कूल में, जिस सेक्शन में पढ़ाई हो रही है जाके बैठ कभी टाइम नहीं कभी ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज। सो थ्योरम 7.2 बात नहीं करो, थ्योरम 7.2 दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides of an isosceles triangle, of an isosceles triangle. समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के विपरीत कोण समान होते हैं। सो इस थ्योरम को फिर से रिपीट कर सकती हो श्रेया? अंदर मत देखो, क्या इधर उधर देख रही हो? हाँ बोलिए। इस एंगल पे दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। जरा देखें वो बोलना क्या चाहता है, फिर उसको प्रूव भी करेंगे। वो दो थ्योरम बता रहा है, एक नहीं बता रहा है कि पहली बात बता रहा है। ये देखो कि मान लीजिए ये दोनों साइड इक्वल है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो क्या ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। और अगर मान लो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो क्या इसकी अपोजिट की साइड इक्वल होंगी? yes. इसको स्टेट करो, एंगल अपोजिट तुम तुम्हारा फ्रेमिंग ही नहीं, तुम इंग्लिश ही नहीं बोल पाती हो, तो तुम लिखती क्या होगी वहाँ पे? बोलो, वो बात ही नहीं कर रहा हूँ। बोलो, अभी तुम लेट आई, तुम्हें क्या मालूम? आइसोसेलीस पहले नहीं बोलना है। इफ इन ए ट्राइंगल टू एंगल्स आर इक्वल, then their opposite sides are equal, hence the triangle is isosceles. अब नोएल बोल के दिखाएंगे, आप सुनिए ध्यान से। हाँ बोलो बेटा। हमने तो कहा है सुनने बैठे थोड़ी हूँ मैं तो। हाँ बोलो बेटा। When two angles are equal, then opposite angles. Opposite क्या होता है एंगल के अपोजिट? When the side of angle. अमन बोलो। इनके क्लास में नहीं पढ़े, इस लेवल के नहीं हो, 9th की। हाँ बोलो बेटा। हाँ ठीक है। Hence, the triangle is isosceles. अब इसको बोलो। In an isosceles triangle, 7.2 के बारे में बोलो। In an isosceles triangle, angles
अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, रिपीट करो. इक्वल साइड्स आर, देखो इन एन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, कनिष्का बोलो. आप बोलिए इसका. इफ इन ए ट्रायंगल, इफ इन ए ट्रायंगल द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बोलो. इफ इन ए ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल देन द अपोजिट साइड्स द एंगल्स आर आल्सो इक्वल. बहुत है, अब रिपीट करो. If the sides of the opposite, फिर से बोलो. If the angles of the triangle are equal, then the opposite sides of the triangle are also equal. Hence it is an isosceles. हाँ बोलो. देखो टेक लगाने से ऐसे ही फोर ब्रेन आधा हो गया, इसी वजह से तुम तीन बार में नहीं बोल पाए हो. अदरवाइज बोलो सेकंड वाला बताओ. 7.3 अब हमें दिया गया है पहला केस कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो समान भुजाएं हैं उसके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होते हैं. लेट ए बी सी, गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी किसके इक्वल है, ए सी के. टू प्रूव, अमन प्रूफ क्या करना है बोलो. वो तो दिया ही है. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. हमें ये प्रूव करना है कि एंगल्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल होते हैं. आइसोसेलेस तो दिया है ना, आइसोसेलेस दिए को कैसे प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, अब ये देखो प्रूफ. प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, नाउ इसके लिए मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूंगा. इस एंगल का ये क्या हमने ड्रॉ किया बताओ, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. और इसे M ले लो, तो ड्रॉ ए एम एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. अच्छा, इन ट्रायंगल बी ए एम और सी ए एम, मयंक इन ट्रायंगल बी ए एम एंड ट्रायंगल सी एम, इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करो. एंगल बी ए इज इक्वल टू ए सी, बी ए कोई एंगल थोड़ी होता है. ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी वाई. सर गिवन, आप और बोलो. सर एंगल ए एम बी इज इक्वल टू ए एम बी, ये एंगल इक्वल लग रहा है तुमको, गिवन है कहीं. सर ए एम इज कॉमन, ए एम इज कॉमन. और बोलो, और किसी के मन में कुछ है अभिषेक. क्योंकि वो बाई कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये तुमने बाई सेक्टर बनाया है. सो एंगल बी ए एम इज इक्वल टू एंगल सी ए एम, उत्कर्ष. इसके आगे क्या करेंगे, साइड एंगल साइड, ये कॉमन है, साइड एंगल साइड. तो क्या लिख सकते हैं, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल बी ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एम. सौरभ इसके आगे क्या करेंगे, सीपीसीटी से क्या करेंगे, अच्छा बताया है, बता दो पूरी बात. रुक जाओ बता रहे हो, बोलो. हाँ मैम, क्योंकि अब इसके बाद सीपीसीटी से जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट में यहाँ बी लिखा है और इधर क्या लिखा है, तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट से जो बाकी तीन चीजें होंगी वो भी तो इक्वल हो जाएंगी जब दो ट्रायंगल ओवरलैप कर गए. तीन से तो तुमने कर दिया,
लेकिन एक ट्रायंगल में छह चीजें होती हैं, तो जो बाकी तीन बची उसको कैसे करोगे? दैट इज करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा? बाई सीपीसीटी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इससे पता चलता है कि अगर ट्रायंगल आइसोसेलीस है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। सो हेंस प्रूव, ये देखो मान लो ये आइसोसेलीस ट्रायंगल है तनिष्का मिश्रा, तो क्या आप मुझे बता देंगे ये एंगल कितना है? अरे बता तो दिया ये आइसोसेलीस एंगल मुझे ये। हाँ बोलिए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि दोनों को x x मानना है, उतनी देर में उन्होंने मान लिया कि x plus 80 is 180। देखो कितना मन में लोग करते हैं, आप स्टैंडर्ड देखो, ऐसे कैसे टिक पाओगी इतने विद्वानों के सामने? हाँ तो हाँ कर लिया, समझ रहा है बस? नहीं समझ भाई, दोनों एंगल इक्वल है ऐसे प्रूव किया, तो उन्होंने मन मन में x x मान लिया, या जो बचा 100 उसका बंटवारा कर दिया, बात की नहीं। अच्छा अब देखो आगे की बात। सो दूसरी चीज देखिए, थ्योरम 7.3। थ्योरम 7.3 क्या कह रहा है? द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब इसको देखो, द साइड थ्योरम 7.3, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। नाउ ये दो थ्योरम आ गई तो अगली एक्सरसाइज कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट। इसको ये समझ में आ गया कि भुजाएं बराबर तो सामने के कोण बराबर, और कोण बराबर तो भुजाएं बराबर, इतना ही समझना है कि इससे ज्यादा योग्यता नहीं चाहिए। तो बोलो बेटा, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये मान लीजिए हमको एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, तो देविका क्या आप मुझे बताएंगी गिवन में क्या दिया है और सुहाना? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि वो दे रहा है इक्वल एंगल्स, तो उसके अपोजिट साइड इक्वल होगी। टू प्रूव क्या करना है सुहाना? तो जो B है, B के सामने वाली चीज पहले बोलो, क्योंकि इसके अपोजिट की बात पहले बोलो, उसी के नीचे तो इसलिए इसके नीचे AC लिखो, क्योंकि उसके अपोजिट क्या है, और इसके नीचे इसका अपोजिट लिखो, सही है? अच्छा अब प्रूफ देखें, आपके पास क्या ये चीज है? ठीक है, और अब देखो कि हमको इसको प्रूव करना है, तो AAS कॉन्ग्रुएंसी है आपके में कि नहीं? Yes, sir. AAS लगा दो, इसको यहां से क्या कर लो, परपेंडिकुलर भी डाल सकते हो, तुम्हें चाहिए तो परपेंडिकुलर डालो, और नहीं तो ऊपर से बाइसेक्टर करोगे तब भी AAS बन जाएगा। एंगल बाइसेक्टर पहले वहां किया था, और यहां भी एंगल बाइसेक्टर ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो बोलो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो AAS आ जाएगा कि नहीं? ए ए एस, तो देखो ए एम ड्रॉ। हाँ जहाँ पे आपने एम लिया मतलब आपने 90 डिग्री तो ड्रॉ, अगर 90 कर लोगे तब इधर से आ जाएगा ए ए एस। सर इससे सर तो ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगती, ट्रिपल ए नहीं, तीसरा ए नहीं। अगर मैंने एंगल वाइज सेक्टर लिया तो यहाँ से भी ए ए एस बन रहा है कि नहीं, और यहाँ 90 बना लो तो इधर से AAS बन रहा। तो मैंने सोचा कि दोनों की सिमेट्री रहेगी तो भूलोगे नहीं, दोनों में भी तुम्हारे मन में रहेगा हमको तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना, फिर चाहे ये आएगा या वो आएगा तुम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ के प्रूफ कर ले जाओगे, जबकि वहां पर परपेंडिकुलर वाला नहीं चल पाएगा, इसीलिए हमने ऐसे करवाया, ठीक है कि नहीं? तो अब देखो कि
ड्रॉ ए एम एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। आगे चंदन तू पढ़ाओ। यस सर, ए एम इक्वल्स ए एम विषय बताओ। सर एन ट्रायंगल, हाँ बोलो, एन ट्रायंगल एंगल ए बी, सॉरी कुछ भी बोल दो, ए एम और सी ए एम, एन ट्रायंगल सी ए एम। अब बोलिए सर, ए एम इज कॉमन, ए एम इज इक्वल्स टू ए एम कॉमन, और बोलो कुछ नहीं। एम बी कहाँ कुछ दिया है, कहाँ है एंगल बी दिया है, एंगल सी गिवन, और बोलो फर्स्ट पार्ट बी एम इज इक्वल टू सी एम, सही बता रहे हो बी ए एम, ए एम इसका मतलब अरविंद को समझ में आ गया है सी एम क्यों ऐसा है। परपेंडिकुलर भी जिसे बोल रहे अपने मन से ही परपेंडिकुलर कहीं है ही नहीं, तो भाई ये देख लो, ये तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है। अच्छा ये बताओ, ये एंगल आधा आधा लग रहा है ना तुम्हें, आधा आधा लग रहा है देखने से, देख के देख लो, अगर मैं एंगल वाइज सेक्टर पूछूं तो क्या परपेंडिकुलर है, तो अपने मन ही से परपेंडिकुलर बोलते चलो, हर एंगल वाइज सेक्टर परपेंडिकुलर होता है क्या, ये तो परपेंडिकुलर हो चुका। सो अब आगे की बात करो, बोलो चौहान सी पी सी पी, अरे कौन कौन से ए ए कौन सा साइड है, मतलब पहले क्या लगाना चाहते, ये एंगल होगी ए एस सर, पहले बी सर एंगल बी, तो यही तो लगा, तो ए ए एस, अब यहाँ ए तो, ये तो ए है ही नहीं, तो आपको ऐसे ही तो चलना पड़ेगा, ए ए एस, ए के बाद एस कहाँ आ रहा है, कौन से ए के बाद एस, इस ए के बाद अगर एस करोगे तो यहाँ ए कहाँ है, जंप होगा, जंप स्किप नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, ए ए एस, जो जो तुमने लिया, ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, ये साइड ली, तो ए ए एस ही बन रहा है कि नहीं, तो वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होगा, उनका अलग मेथड है, तो ऐसे बुक से हमें क्या लेना देना, ठीक है। बाई कंस्ट्रक्शन, जो आपने कंस्ट्रक्शन किया उससे करें, तो बाई ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल जो भी आपने लिया हो बी ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बाम इज कॉन्ग्रुएंट टू बाम। अब इसके आगे सी टी ए सी इज इक्वल टू, ए सी खैर नहीं लिख सकते क्योंकि इधर की ओर तो मुझे ए भी लिखना ही पड़ेगा, हेंस टू स्टेट्स थ्योरम 7.2 एंड 7.3 एंड प्रूव देम। बताएंगे तो एग्जाम्पल को क्या कह रहा है कि दैट इज द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी, यानी वो बाइसेक्टर तो है, तो लेकिन किसका बाइसेक्टर है,
ये जरा देखना पड़ेगा, ए बी सी और ये ए डी है, तो कह रहा है कि बाई सेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए, तो गिवन क्या है, ए डी इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए, और क्या कह रहा है, ये परपेंडिकुलर है, नहीं परपेंडिकुलर बाईसेक्टर का तो ये मतलब होता है कि परपेंडिकुलर भी है और इसका इसका बाईसेक्टर है, तो एंगल का बाईसेक्टर है और परपेंडिकुलर है, तो ऐसे को परपेंडिकुलर बाईसेक्टर नहीं बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाईसेक्टर का मतलब है बाईसेक्टर हो साइड का, और परपेंडिकुलर तब कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बाईसेक्टर ऑफ एंगल ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू साइड बी सी, यानी कहा गया है कि ए डी किसके परपेंडिकुलर है, इतना दिया टू शो, इसको शो करना है दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी एंड हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलिस, तो प्रूफ चंदन, मतलब ये तो परपेंडिकुलर आई है। हाँ बोलो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, ठीक है, ए डी इज कॉमन, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन एंड ऑन ए बी मीन ए बी डी एंड ए बी सी, फिर से बोलो, एंड ऑन ए डी आई ए डी बोलने दो, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए इक्वल 90 डिग्री, 90 डिग्री ईच 90 डिग्री गिवन ना, और एंगल बी ए डी एंड सी ए डी इक्वल, यानी ये 90 हो गया और ए डी को इन्होंने कॉमन बना दिया, और तीसरा क्या ले रहे हो, क्योंकि एडी इज एंगल बाई सेक्टर ऑफ है, एडी इज सौरभ, बोलो क्राइटेरिया, बोलो सही तो बता रही है, समझ में आया ना, देखो एंगल ये साइड लिए कि नहीं, तो ए एस ए उसी क्रम में चलना पड़ेगा जो चीजें होती हैं, नहीं तो क्या हुआ भाई, इधर से भी चलोगे तो ए ऐसे है, सौरभ ने भी यही बोला था, थोड़ा बहुत चलता है, देखो इतना नहीं, अब एस एस ए को कर दो, एस एस ए को ए एस एस लेटर इधर उधर तो हो सकता है ना, अब ये देखो इतनी हो गई, तो ट्रायंगल ए बी डी is congruent to triangle ACD, इतनी बात हो गई, अब इसके आगे सौरभ बताओ, सर AB is equal to AC CP CT, हाँ by CP CT AB is equals to AC, तुम रातों रात इतने ज्यादा तेज हुए हो, hands go जरा देखो, नेक्स्ट इज ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बी सी तो है, ए बी सी और इसका मिड पॉइंट क्या है, ई और एफ, ई को इससे ज्वाइन करो और बी को इससे ज्वाइन करो, नाउ इतनी देर में क्यों, चलो नाउ अब देखो ये ई मिड पॉइंट है,
तो P and F are the points of equal sides. यानी ये इसके पहली बात ये equal sides हैं. तो ये AB is equals to. Given में बोलो क्या है? AB is equals to AC और E is midpoint किसका है? A and B line. Of AB और F is midpoint of AC. इतनी बात कही. अब आगे की बात देखो. तो इक्वल साइज BF को CE करना है टू प्रूव BF इज इक्वल्स टू CE. BF ये है और CE है. अच्छा अब ये देखो कि ये चीज अगर इसके इक्वल हो जाए BF इज इक्वल्स टू CE. मुझे ये बात बताओ कि तुम्हारे पास दो ट्रायंगल है जिनको कि तुम्हें कॉन्ग्रुएंट करना है. एक ये ट्रायंगल है इसको और एक ट्रायंगल ऐसा ही और है जिसे कि कॉन्ग्रुएंट करना है. ये देखो अब मुझे ये बताओ कि इन्हीं दोनों को करना है कॉन्ग्रुएंट. अगर ये मैं कॉन्ग्रुएंट कर लेता हूं तो फिर ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी बी एफ सी के इक्वल हो जाएगी ना. तो लिखो इन ट्रायंगल प्रूफ में इन ट्रायंगल देखो बी ई सी एंड नोएल आगे क्या लिखे बताओ. बोला करो दूसरे पहले ना बोल पाए. ट्रायंगल सी जवाब से पूछा फट से बोल दो सी एफ बी. तो बी ई सी सी एफ सही है. अच्छा अब ये मुझे बताओ कि क्या ए बी किसके इक्वल है ए सी. तो क्या हाफ ए बी हाफ ए सी के इक्वल होगा. लेकिन हाफ ए बी क्या है क्या है हाफ ए बी ई है कि नहीं. यही हाफ है कि नहीं क्योंकि ये मिड पॉइंट है. तो हाफ ए बी क्या है बोलो बी ई. तो फिर हाफ ए सी क्या सी एफ. ऐसा क्यों है क्योंकि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली. अब देखो एक चीज हो गई. अच्छा एक बात बताओ सौरभ बी सी किसके कॉमन है. किसके कॉमन है नोएल दोनों ट्रायंगल्स के. बोलो बोलो चौहान ही बता सकती है. बी सी किसके कॉमन है ये ज्यादा अच्छा बता रहे हैं. बी सी सी बी के कॉमन इन्होंने बताया मतलब बड़ी बात है क्योंकि यहाँ इन्होंने बी सी लिया और यहाँ से सी बी के नहीं. और कहाँ कोई बता पाया बी सी इज इक्वल्स टू सी बी कॉमन. और बोलो दिव्या ये चीज लो इन्होंने बता दिया. बोल रही है कि जो एंगल बी है ये रेड वाले का अब ब्लू वाले का एंगल सी तो क्या ये अपोजिट साइड्स के इक्वल एंगल है. क्या ऐसी कोई थ्योरम है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. 7.2 थ्योरम ऐसी है. तो एंगल भी किसके इक्वल पाएगा बोलो एंगल सी. व्हाई इट इज सो दैट इज इसको लिखो एंगल्स अपोजिट टू ऐसे ही लिखना पड़ता है बार बार इक्वल साइड इक्वल. फिर से देखो क्या ये साइड मैंने इक्वल की है बी कहीं पे. इधर देखो बी क्या इक्वल की है तो साइड ये एंगल इक्वल किया तो साइड एंगल ये कॉमन किया तो क्या क्राइटेरिया लगाओ साइड एंगल साइड. इधर भी
साइड लिया कि नहीं, एंगल और एक बीच का एंगल और फिर साइड। तो आप सही बता रहे थे लेकिन ये लोग मानते नहीं है। पाई एस ए एस सर आपके साइड में एक कोचिंग सेंटर खोलेगा राइट एरिया, ये ऐसे ही भगा ले जाएगा लोगों को भाई। एस एस कॉन्फ्रेंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल बी ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ बी। सो भाई सी पी सी टी अब इसी में देखो क्या चीज पूछी जा रही है। बी एफ और सी है तो सी ई यहां से ले लो सी ई और यहां से बी एफ, तो सी ई इज इक्वल्स टू BF, hence true. आपको यहां तक मैं दे देता हूं, यहां से मैं नहीं देता हूं, इसी तरह से यहां से। समझो यानी हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने लिख भी दिया है BEC और CFB, ऐसा लिखा है इन ट्रायंगल। इधर देखो BEC और CFB सही है। अच्छा ये बताओ क्या ये फुल साइड फुल के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है? इसका हाफ इक्वल होगा, हाफ ऑफ द इक्वल आर इक्वल, लेकिन इसका हाफ कितना है बीई और इसका हाफ कितना है लिखा कि नहीं, तो बी इज इक्वल सी है, एक चीज सही हो गई। अच्छा इसे बताओ बी सी किसके इक्वल है, सी बी, क्या ये कॉमन हुए BC और CB कॉमन हुए कि नहीं, उसी ऑर्डर में तो लेना पड़ेगा ना। अच्छा एक और चीज बताओ ये एंगल इसके क्यों इक्वल हुआ, क्या इसके सामने की साइड इक्वल है और इसके सामने की साइड ये दोनों इक्वल है, तो क्या ये एंगल भी इक्वल हुआ? तो S A S S A S क्योंकि ये तो हमने इक्वल कर ही दिया था ना हाफ करके। चलो नहीं तो हमारे पेन खत्म हो जाते हैं। एग्जांपल नंबर सिक्स लाइन एग्जांपल सिक्स देखिए। AD is equals to show AD is equals to AE, तो इसको join कर दो AD, इसको join कर दो AE, और हमें proof क्या करना है AD, ठीक है? हाँ जमा करो, बाकी लोग भी जमा कर दें, लाइक ये भी अगला question समझ सकें सर। ये सही कह रहे हैं तो हम एस ए एस लगा देते हैं।
जमा करो जमा करो नॉइल ठीक है। अब ये देखो कि टू शो प्रूफ, देखिए इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्वर्ट प्रूफ करो। ये बताओ उत्कर्ष कि बीडी किसके इक्वल है? सर बीडी ईसी, BE is equal to DC, अगर दोनों में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ये पार्ट दोनों में से कट कर दो, ये दोनों में से कट कर दो, तो यहाँ कितना बचेगा? अब इसमें से भी कट कर दो, DC बचेगा कि नहीं? तो लिख लो इस बात को कि इन ट्रायंगल, यही दोनों ट्रायंगल लेने हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल दूसरा क्या लेने हैं? ACE, ये छोटे वाले दोनों ले रहे हैं, तो ये मुझे बताओ कि AB किसके, नहीं ये वाली छूट जाएगी, बताओ AB किसके इक्वल है? AC। क्या ये गिवन है? Yes। अच्छा अमन ये बताओ एंगल B एंगल C के क्यों इक्वल है? बहुत अच्छा, ये कितना अच्छा बताना है, एंगल बुक में लिखा है, पढ़ना भी तो आना चाहिए। कुछ लोग नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ लोग साइंस की बुक में ढूंढते हैं, तब क्या करोगे? तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये बात समझ आ गई। अब तीसरी चीज चंदन बताओ, हाँ ये ठीक है दिव्या, ये ठीक बता रहे दिव्या की बात सही है। इन्होंने बताया कि देखो BE इज इक्वल टू क्या दिया है? DC और सब्ट्रैक्टिंग BE माइनस DE इज इक्वल टू DC माइनस DE सब्ट्रैक्टिंग DE फ्रॉम बोथ साइड, देखो बुक में लिखा है तो चंदन पढ़ पाए कहीं, तो इस तरीके से सब्ट्रैक्टिंग DE फ्रॉम, ये तो गिवन है ना, और यदि इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा बोलो? सो सब्ट्रैक्टिंग BE फ्रॉम बोथ साइड तो क्या होगा बोलो? DE फ्रॉम बोथ साइड, तो बताओ BE में से DE गया कितना बचा? BD बचा, देखो BE में से DE को खत्म कर दो, BE में से इसे खत्म कर दो तो कितना बचा? BD नहीं BD, और इसी तरीके से DC में से भी DE को खत्म कर दो, अच्छा तो CE, अच्छा तो क्या क्या चीजें हो गई? ये चीज हुई, ये एंगल हो गया, और क्या BD हो गया? BD आया, तो साइड एंगल, एंगल भी तो आ गया ना, और साइड साइड एंगल साइड, तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? SAS। तो भाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AC, फिर क्या किया जाए? AD पूछ रहा है AD AC के, तो तुम अपने मन से दूसरी CPCT लगा दो। फिर ये चीज छूट जाएगी, अच्छा तुम इससे करना चाहते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना पड़ता, इनका मेथड भी बहुत अच्छा है। सो AD इज इक्वल्स टू AE, इनका मेथड बता दें क्या? यस सर। चलो इनका कहना है प्रूफ देखो, इन्होंने कहा कि ये पूरे का पूरा ट्रायंगल लो, ये सब मत लो, इन्होंने कहा ये ट्रायंगल लो, तो एक ट्रायंगल ये हो गया, और एक ट्रायंगल ये क्या कह रहे हैं? AD तो
ABC ऐसे ले लो। अच्छा अब देखो कि बताओ इन ट्रायंगल ABE तो दूसरा क्या करोगे, ABE एंड ट्रायंगल AC ऐसे लिखकर निष्का चौहान बताओ जरा प्रूफ करके क्या क्या लिखें कैसे कैसे बोलो। AB is equal to AC given और बोलो सर एंगल A is equal to एंगल A का एंगल B is equal to एंगल C that is angles opposite to equal sides सुहाना एक बार बताओ BD नहीं आएगा नीला नीला पूरा लो वो गिवन भी है BE is equal to CD तुम तो बहुत जानने लगे हो BE is equal to DC तो BE is equal to CD ये गिवन है। अब कुछ करना ही नहीं बस इतना ही है सवाल। ये देखो ये साइड एंगल साइड बी आ गया कि नहीं देखो AB, BE, AB, BE, AB AC, C और CD आ गया नहीं तो भाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल भाई अब ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया AD मिल गया क्या, ये AD मिल गया और ये क्या मिल गया AE। सो बाई सी इधर ध्यान दो बाई CP CT क्या होगा बोलो नहीं तो एंगल भी लगा रहे हो। हाँ बोलो देविका आप इधर उधर ध्यान दे रही तो कहां समझ में आएगा ठीक है एस प्रो। अगला देखें 7.2 बोलो सर मैंने नहीं कहा था चंदन कह रहा है हमसे सॉल्व करो चलो जैसे जज साहब भी है कि वो लिखते हैं कि फांसी के बाद कलम तोड़ देते हैं ये हर सही सवाल करने के बाद कलम तोड़ देता है तो इसीलिए इसके कान के आसपास कलम नहीं दिखेगी आपको वो पूरी तोड़वा देता है। अब देखो दैट इज इन आइसोसेलिस ट्रायंगल ABC ABC AB is equal to AC ये गिवन है और bisectors of angle B और C intersect each other at O जो B का bisector है और जो C का bisector है वो आपस में कहाँ प्रतिच्छेदित करते हैं intersect so these intersect each other at O समझ में आ गई बात नाउ इतनी बात हो गई है तो आपको ये बताना है कि OB क्या तुम्हें ये लगता है ये दोनों एंगल इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है और आपको क्या बताना है बताओ OB इज इक्वल टू OC। अच्छा तो देखो गिवन क्या है कि AB AC के इक्वल है एंगल ABC भी गिवन है और AB is equals to AC। अच्छा BO किसका bisector है BO एंगल B का और CO C का। अब to prove OB is equals to OC तो OB is equals to OC हमको ये प्रूव कराना है तो अब देख लो
कि मान लीजिए ठीक है, हमें अभी इतने में ही काम हमारा बन जाएगा। आप ये बताइए उत्कर्ष, बिना कंस्ट्रक्शन के इसको प्रूफ कराइए, ज्वाइन करवा रहा है क्या? ओके ओके, तो ज्वाइन कर दो। अच्छा ओके, नाउ अब देखो कि प्रूफ देखिए, ठीक है। सो यहाँ देखो कि एंगल भी किसके इक्वल है, क्यों इक्वल है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अच्छा अगर ऐसा हो तो क्या हाफ एंगल बी हाफ एंगल सी के इक्वल होगा? क्योंकि हाफ ऑफ इक्वल साइड आल्सो इक्वल। तो सुहाना हाफ ऑफ एंगल बी कितना है? ये लो ओबीसी, फिर नीचे कटाएंगे, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल, फिर क्या इनके सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी? बोलो हो जाएंगी कि नहीं? तो अब हम क्या लिखते हैं बताइए कि ये देखो, तो हाफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, लेकिन हाफ एंगल बी क्या है? क्या ओबीसी है कि नहीं? तो एंगल ओबीसी किसके इक्वल हो गया? ओसीबी। इसके आगे अभिषेक बताओ, अब आपकी बारी है। इसके नीचे क्या लिखा? ये एंगल इसके इक्वल हो गया, इसके नीचे क्या लिखा? रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है नहीं, अब ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये है ट्राइंगल, तो इक्वल एंगल के सामने की भुजाएं बराबर होती है। बोलो OC, ये बहुत अच्छा बताया तुमने, हम यही देखना चाहते थे कि ओबीसी के सामने ओसी, कहीं तुम ओसी बोलते हो कि ओबी। वैसे कनिष्का चौहान ने पहले ये बात बोल दी थी, लेकिन फिर भी आप सही कह रहे, ओसी इज इक्वल टू भाई ये पूरा एंगल पूरे के इक्वल, तो आधा एंगल आधे के, ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ कि नहीं? अच्छा ये एंगल इसके इक्वल, तो इस छोटे से ट्रायंगल में क्या इसके सामने की साइड ओसी इसके सामने की साइड के भी इक्वल होगी? बोलो समझ में आ गई? क्यों होगी बताओ, क्या लिखे भाई आप सही बताएं? साइड्स अपोजिट टू साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, तो पहली बात तो प्रूव हो गई। अब सेकंड पार्ट देखो, क्या तुम्हारा ये चीज इसके इक्वल हो गया? बोलो अब ये मुझे बता दो कि इसके प्रूव होने से क्या श्रेया श्रेया की बारी आ गई, इन दोनों को कैसे कॉन्फिडेंट प्रूव करें? बहुत दिक्कत में आ गया, रुक जाओ, एक क्राइटेरिया बताएंगे ना, क्राइटेरिया तो ही बताएंगे, सीपीसीटी लगा लेना बाद में, तुम्हें सीपीसीटी लगानी ना, पहले कॉन्फिडेंट तो प्रूफ करने दो। हाँ बोलो देविका, एस एस अभी अभी प्रूव हुआ है कि नहीं? तो साइड एंगल अच्छा एस 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 ना, ये भी अच्छा कह रहे हैं एस 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 ना, एस ये कॉमन है वो भी अच्छा है ना उनका, नहीं तो ये एंगल लेने के लिए मुझे फिर से हाफ करना पड़ेगा और फिर हाफ करने के बाद वो एंगल लेना, उससे आसान क्या होगा? टेक टेक ज्यादा आसान होता है। सो दैट इज टू प्रूव ओ ए ओ बाइसेप्स एंगल ए, ए ओ बाइसेप्स एंगल ए, चलो ये हमें प्रूव करना है। कनिष्का मिश्रा तनाव प्रूफ बताइए, ए बी इज इक्वल टू नोएल, ए बी इज इक्वल टू उत्कर्ष, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये तो अपने मनी का बोलती है, इन ट्रायंगल ए बी सी, हाँ दिव्या
इन ट्राइंगल ए बी ओ, हाँ बोल ले तुमको, इन ट्राइंगल ए बी ओ और रुक जा हाँ ट्राइंगल, जब वो बोल रही तो बोलने दो ना सबको, शांति आप बोलिए। ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या ये गिवन है? और बोलो ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन, और बोलो क्यों वो बोल रही है तो उसको बोलने दो ना, प्रूव्ड अबव, अब यही तुम भी बोलने चाहती थी लेकिन उसने बोल दिया पहले, है ना? हाँ आगे by ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, तो ट्राइंगल ए बी ओ इसके इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो गया ए सी ओ, इसे किसके आगे की बात बोलो by CPCT, हाँ बाई सीपी सी टी ऐसा नहीं होता है, बाई सीपी सी टी बी ए ओ, बी ए ओ इज इक्वल टू सी ए ओ, ये कहो कि ये इसके इक्वल है, फिर अगली लाइन में लिखना बाइसेक्ट करता है, सीपी सी टी से एंगल इक्वल किए जा सकते हैं, बाइसेक्ट नहीं प्रूव किया जा सकता, सो बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, सो ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, बोलो बात समझ आ गई? आपको दो सवाल करने हैं, ये फिगर हम ठीक कर देंगे, चलो।